नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइपिंग जॉब से पैसे कैसे कमा सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग से पैसे कैसे कमाएं। बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े यूट्यूबर के वीडियोस से नाम तो बहुत सुना है, लेकिन एक्चुअली में प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप, ये किसी ने बताया नहीं और आपने जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिलहाल आप जो है एक चीज तो सोचकर आए हैं कि भाई फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए जाते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, इस वीडियो में आप लोगों को पूरा स्टेप जानकारी दे रहा हूँ, स्टेप मतलब शुरू से लेकर एंड तक पूरा एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, बाकी करना है तो आप उसको आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ पर अपने फोन में गूगल, सबसे पहले जो है गूगल क्रोम वगैरह कोई ब्राउजर है या फिर कोई भी ब्राउजर है तो उसमें हम गूगल खोल लेंगे और यहाँ पर हम सिंपली टाइप कर लेंगे टाइपिंग जॉब, अगर आपको टाइपिंग करनी है तो ठीक है, टाइपिंग जॉब आप यहाँ पर जस्ट टाइप करेंगे। सो यहाँ पर कई सारी वेबसाइट आएगी, ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है कि नहीं। अगर यहाँ पर नहीं आ रही है सो आपको यहाँ से थोड़ा सा अलग कुछ करना होगा, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो थोड़ा सा जैसे YouTube है वीडियो के मामले में, उस तरीके से जो है टाइपिंग वाइपिंग की तरह की काम के लिए आप अपवर्क भी है इस पर भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने जहाँ पर बनाया है उसकी बात करूँगा। सो यहाँ पर देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट है। अगर नहीं मिले तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट, ओके। जैसे आप लिखेंगे तो देखिए पहले नंबर पर जो वेबसाइट आ रही है ये है फ्रीलांसर की वेबसाइट, हायर फ्रीलांसर एंड फाइंड फ्रीलांसिंग जॉब ऑनलाइन। फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि फ्री होके आप टाइपिंग जॉब से कोई भी काम आप करके पैसे कमा सकते हो। सबसे पहले आप जो है ये जो वेबसाइट है इस पर ये लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। लैपटॉप है तो लैपटॉप पर, मोबाइल है तो मोबाइल पर। यहाँ पर सामने कुछ इंटरफेस आता है कुछ इस तरीके से। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए अभी तक आपका कोई अकाउंट इसे बना नहीं है, तो सबसे पहला जो काम है वो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है। थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं कि ये जो फ्रीलांसर वेबसाइट वो काम कैसे करता है। देखिए यहाँ पर फ्रीलांसर एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर दो तरह के लोग आते हैं बेसिकली, जो काम करना चाहते हैं और जो काम करवाना चाहते हैं। जो काम करना चाहते हैं वो काम करके पैसे कमाते हैं, जो काम करवाना चाहते हैं वो काम लेके पैसे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप साइन अप कर सकते हैं, यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिया गया है, साइन अप कर सकते हैं या लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन अगर गूगल अकाउंट है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लॉग इन कर देता हूँ, लॉग इन एंड कंटिन्यू विद गूगल पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे सिंपली, एंड इस तरीके से यहाँ से मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। मेरा इस तरीके से लॉग इन हो जाएगा। यहाँ पर एग्री कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आई एग्री का ऑप्शन है करके, सुबह से यहाँ पर जो ज्वाइन फ्रीलांसर है इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर करेंगे तो बोलेगा एक यूजर नेम आप जो है चूज कर लीजिए, तो यहाँ सजेशन आएगा कोई भी आप इसमें से, मैंने यहाँ पर राम के P9 कर लिया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यहीं पर सिलेक्शन होना है, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब क्या है कि आपको चुनना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। इस वेबसाइट को तो पता नहीं है कि आप क्या करना है, लेकिन इसके माध्यम से आप पता चल जाएगा उसको क्या करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, आई वॉन्ट टू वर्क, दूसरा है आई वॉन्ट टू हायर। यहाँ पर जिस तरह मैंने बोला था जिसको काम करना है वो आई वॉन्ट टू वर्क पे काम जो है सिलेक्ट करेगा, और जिसको काम करवाना है वो आई वॉन्ट टू हायर पे क्लिक करेगा, ओके। हमें जो है टाइपिंग वर्क करना है तो हम जो है काम करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू वर्क पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आगे ये प्रोसीड करेगा, रिडायरेक्ट करेगा। ये आजकल मोबाइल यूजर्स ज्यादा, इसलिए मैंने मोबाइल पर बता रहा हूँ, बाकी ये लैपटॉप पर होता है टाइपिंग वर्क वगैरह, लेकिन आजकल जो है बहुत सारे लोग जो है जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो मोबाइल फोन से भी टाइपिंग करते हैं, इसलिए मैं टाइपिंग मोबाइल के विषय में ही बता रहा हूँ। देखिए मैंने सेलेक्ट किया था आई वॉन्ट टू वर्क, तो यहाँ पर देखिए बोला है टेल अस योर टॉप स्किल, ठीक है, मतलब आपकी स्किल क्या है। टॉप स्किल क्या, आप यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर सर्च बार दिया गया है, यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर कई सारे जो है स्किल दी गई है, वेबसाइट, आईटी सॉफ्टवेयर, राइटिंग एंड कंटेंट, डिजाइन, मीडिया, आर्टिस्ट, डाटा एंट्री, एडमिन, इंजीनियरिंग, साइंस, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। हमारा राइटिंग जॉब है, राइटिंग करने के लिए यानी टाइपिंग वर्क है। हम यहाँ पर देखिए राइटिंग दिया गया, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले से कितने सारे जॉब यहाँ पर हैं ऑलरेडी, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे जॉब है। कंटेंट राइटिंग में देखिए 432 जॉब है, आर्टिकल राइटिंग में 333 जॉब है,
कॉपी राइटिंग में 321 है, रिसर्च राइटिंग रिसर्च है, गोस्ट राइटिंग, बहुत सारे यहाँ पर जो है जॉब है। कंटेंट राइटिंग, टाइपिंग राइटिंग, कंटेंट राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग, ये दोनों जो है सेम में आता है, तो इनमें से आप किसी पर भी जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग या फिर आर्टिकल राइटिंग। तो मैं यहाँ पर जो है आर्टिकल राइटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर नीचे जो नेक्स्ट बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। आप एक दो भी कर सकते हो, जितना आप जानते हो उसके हिसाब से करना, मैंने यहाँ पर एक किया है। बोल रहा है लिंक योर अकाउंट, सेव टाइम, फिल आउट योर प्रोफाइल, बिल्ड ट्रस्ट बाय लिंकिंग योर अकाउंट। सो अगर आप ज़्यादा टाइम जो है व्यतीत नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली आपका कोई फेसबुक प्रोफाइल है, फेसबुक अकाउंट है, तो यहाँ से लिंक करेंगे तो डायरेक्टली जो आपका अकाउंट है वो बन जाएगा, अदरवाइज आप स्टेप बाई स्टेप जाकर कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फेसबुक पर, तो यहाँ पर हमें लॉगिन होकर, मतलब इसको बताना पड़ेगा पहले, तो लॉगिन करना पड़ेगा, और नहीं है सो हम यहाँ पर सिंपली इसको स्किप कर देंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा है स्किप का, तो हम मैनुअली जो है अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पहले जो आ रहा है यहाँ पर फोटो, ये कैमरे का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर फोटो लगाना होगा। मैं यहाँ पर फोटो कंटिन्यू बटन क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे कैमरे को, एंड क्या बोला है दिस कांट टास्क फॉर परमिशन, चलो कोई बात नहीं है, इस पर जो है हम बाद में कर लेते हैं, ठीक है, नो थैंक्स, इसको बाद में कर लेंगे, पहले हम यहाँ पर नाम वगैरह डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा, सो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, मैंने डाल दिया राम एंड के, ओके, या फिर राम राम जी लिख देता हूँ, राम जी टेक्निकल, ओके मैंने लिख दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो बोलेगा टेल अस ब्यूटी अबाउट योर सेल्फ, ओके, मतलब हमारे बारे में कुछ और उसको जानकारी चाहिए, व्हाट डू यू डू, राइट ए वन लाइन डिस्क्रिप्शन अबाउट योर सेल्फ। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आई मैं स्टूडेंट एंड आई हैव बेस्ट एक्सपर्टीज इन टाइपिंग, ऐसा कुछ लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे हिंदी में भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि मैं एक स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट हूँ एंड मुझे टाइपिंग वर्क अच्छे से करना आता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये क्या ज़्यादा हो गया कम हो गया क्या, आपको समझ नहीं आ रहा है, बोल रहा है 50 इंटर एट मोस्ट 50 करेक्टर, एंड उसके बाद से आप यहाँ पर कुछ और डाल सकते हो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं पहले टाइपिंग स्किल, ओके, एंड यहाँ पर दोस्तों हमने जो लिखा था वो हम डाल देते हैं, एंड यहाँ कहीं काम किया हुआ है तो उसका जो एक्सपीरियंस वो भी डाल सकते हैं, कि मतलब मेरे पास एक साल या दो साल का एक्सपीरियंस है, वो आप डाल सकते हो यहाँ पर, मेरे पास एक ईयर का टाइपिंग वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया टाइपिंग स्किल, एंड मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे टाइपिंग वर्क अच्छे से करना आता है, मेरे पास एक साल का टाइपिंग वर्क एक्सपीरियंस मैंने डाल दिया है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद से ये पूछेगा भाई प्लीज जस्ट सेलेक्ट द लैंग्वेज यू स्पीक, तो मुझे हिंदी आती है, मैं यहाँ पर जो है हिंदी डाल देता हूँ, चलो, एंड उसके बाद से नीचे आ रहा है व्हेन यू आर बॉर्न, तो यहाँ पर जो जन्मतिथि वो डाल देते हैं जो भी, ठीक है। सो जन्मतिथि कितना है भाई, किधर गया, बैक जाते हैं इधर इधर, हाँ ये ऊपर जो यहाँ पर एरो दिया गया है इसका आप इस्तेमाल करके यहाँ पर सेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर 1991 डाल देता हूँ, एंड उसके बाद से यहाँ पर ये आ रहा है, तो यहाँ पर चुन लेते हैं महीना, एंड यहाँ पर चलो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया, ओके। उसके बाद से हमने डाल दिया यहाँ पर, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर लैंग्वेज, वो लैंग्वेज में जो है इंग्लिश डाल देते हैं कॉन्टेक्ट करने के लिए क्लाइंट वगैरह से। सो यहाँ फिर से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद बोल रहा है कि वेरीफाई पेमेंट मेथड, योर पेमेंट मेथड इज यूज्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड हेल्प बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हैं क्योंकि बाद में, अभी तो हमें काम करना है, तो सिंपली जो है हम स्किप कर देते हैं, इसको बाद में करेंगे। स्टार्ट योर फ्री मंथ, ठीक है, इसको भी स्किप कर देते हैं, ठीक है। एड योर एक्सपीरियंस, इसको भी स्किप कर देते हैं, एक्सपीरियंस बाद में डालेंगे। रिक्वेस्ट ए रेफरेंस, सो यहाँ पर अपना जो है ईमेल आई डी वगैरह है जो है वो हम डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ईमेल आई डी,
चलो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया एंड यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद हमारा जो है इस वेबसाइट पर freelancer.in की वेबसाइट पर मेरा एक अकाउंट बन चुका है। अब इस अकाउंट के जरिए मैंने अकाउंट क्या बनाया था, काम करने के लिए। सो अब मुझे यहाँ पर सामने कई सारे रिजल्ट मिलेंगे। रिजल्ट मतलब ये है कि कई सारे मतलब जो लोग काम करवाना चाहते हैं वे लोग जो है उनकी प्रोफाइल यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे कि ये देखो कि ग्राफिक डिजाइन में गोस्ट राइटिंग का काम है, गोस्ट राइटिंग का काम है, इधर आर्टिकल राइटिंग का काम देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, इस लाइन में देखिए लिखा हुआ है आर्टिकल राइटिंग। ये लोग कितना दे रहे हैं वो भी यहाँ लिखा हुआ है, 6,650 रुपये। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है जो मेंशन है, डाटा एंट्री का काम है देखिए इधर, ठीक है 1,019 रुपये। उसके बाद से और भी इधर देखिए डॉलर में है यहाँ पर देखिए, बट $10 से 30 तक दिया गया है। एंड इसके बाद से यहाँ देख सकते हैं सो यहाँ पर रिव्यू देने के लिए और आर्टिकल राइटिंग के लिए। सो हमारा मेन तो यही था, देखिए यहाँ पर $43 का यहाँ पर आ रहा है बिड। ठीक है, यहाँ पर और हम इसको सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं टाइपिंग वर्क, सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे टाइपिंग वर्क और सर्च करेंगे। सो यहाँ पर देखिए जो भी टाइपिंग वर्क कराने वाले लोग होंगे वो यहाँ पर सामने ही आ जाएगा, किस तरह का कॉपी राइटिंग काम करवाना चाहते हैं, कितना पैसे देना चाहते हैं। ठीक है, ये वो लोग का यहाँ पर आता है। सो यहाँ पर हमने अब क्या करना है, हमें मान लीजिए कि हमें कनेक्ट करना है किसी के साथ, ठीक है, जिसका काम करना है, मान लीजिए अर्बन इंडियन स्टोरी लिखना है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद से देख सकते हैं इस तरीके से चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सो यहाँ पर स्किल रिक्वायर्ड क्या क्या स्किल चाहिए वो भी पूरा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि आप फोटो भी लगा लो अपना, तो मैं चूज करके फ़ोटो लगा लेता हूँ कैमरे से, मतलब जो भी यहाँ पर जो है दिया गया है। चलो यहाँ पर पहले से जो कोई फ़ोटो वगैरह है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, चलो ये लगा देता हूँ। चलो ठीक है, हमने यहाँ पर फोटो सेट एज प्रोफाइल पिक्चर, ओके हो गया है, मैंने यहाँ पर फोटो भी लगा दिया है, सारी चीज़ें। पेमेंट का बाद में किया है क्योंकि पहले जो है हमारा पहले वो फर्स्ट जो है अकाउंट बनाना ज़रूरी है, काफ़ी सारे लोग नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा अकाउंट बन चुका है, सारा कुछ रेडी है। अब यहाँ पर जो है देखिए सारी चीज़ें हो गई है, सेव कर देना है इसको। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखनी है, जैसे कि प्लीज़ इंटर योर अवरली रेट, मतलब आप जो है एक घंटे का कितना लोगे। तो यहाँ पर जो है आपको डॉलर मिल देना है, कम से कम आप जो है $5 से $10 डाल सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर $10 डाल लेता हूँ। इंटर योर एड्रेस, इंटर योर एड्रेस, एड्रेस डालना है तो यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर डालता हूँ, चलो मैंने यहाँ पर डाल दिया, ओके कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपका एड्रेस है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद इसको सेव कर देंगे, सेव कर दिया, उसके बाद इसको हमें जो है पब्लिश कर देना है। ठीक है, ये हम क्या करें, एक तरह से यहाँ पे हम भी अपना एक रेट बना रहे हैं, कुछ सामने देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, किसको दिखाई देगा, जो लोग काम करवाना चाहते हैं, ये देखो। उसके बाद से यहाँ पर पहले बिड पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ कुछ बोल रहा लिखने, फेल टू क्रिएट बिड प्लीज कंप्लीट ऑल फील्ड करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ कुछ बोला लिखने के लिए, मिनिमम 100 क्रेडिट रिसर्व योर प्रपोजल, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हिंदी में या फिर इंग्लिश में कि हाय एवरीवन, आई एम बेस्ट इन आर्टिकल राइटिंग एंड स्टोरी राइटिंग वर्क, ओके। उसके बाद से आप यहाँ पर डालोगे आई हैव, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आप डाल देना, 2 years ऑफ आर्टिकल राइटिंग वर्क एक्सपीरियंस, ओके। आई फिनिश माई वर्क एट द टाइम, सबको टाइम पसंद होता है टाइम पर काम करना, तो आपने ऐसा लिख दिया। अब किसी को देखिए आप लिखा है आपने एक घंटे का जो है यहाँ पर डाला है, देखिए बिड अमाउंट आप कुछ घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर पेड टू इतना इतना फीस वगैरह दिया गया है, प्लीज कंप्लीट ऑल, हमने यहाँ पर 7 दिन का, दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर इन 7 डे, आप अपने हिसाब से यहाँ डाल सकते हो, 5 दिन में आप 2 दिन में कर सकते हो, तो आप यहाँ पर 2-3 दिन का डाल सकते हो। ठीक है, चलो अपने हिसाब से यहाँ पर 2 दिन का डाल दो, पर करके देना ताकि जो है यहाँ पर बिड अमाउंट में आप अपने हिसाब से डाल सकते हो।
जैसे कि अब कोई प्रोजेक्ट है उसको काम करने के लिए आप जो है यहाँ पे डाल सकते हो, 5,000 डाल दो, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट है उसके, 500 रुपये तो फीस होगी, और जो है 4,500 रुपये आपको मिलेंगे। अगर जितना डालोगे उसमें से जो फीस होगी यहाँ पे उसको हटा लेगा। जैसे मान लो कि आप 7,000 डाल रहे हो तो 700 रुपये फीस कहाँ लगेगा, ये जो फ्रीलांसर जो वेबसाइट है वो ले लेगा 700 रुपये, और आपको मिलेगा 6,000, यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये 700 रुपये जो फीस है वो ये जो वेबसाइट है वो ले लेगा, और 6,300 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा, ठीक है, अगर आपको ये काम मिल जाता आप करते हो तो, ठीक है। एंड उसके बाद से आप यहाँ पर जब ये सब लिख दोगे उसके बाद राइट माई बिड पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद से बोल रहा है मेंबरशिप के लिए इसको राइट, इसको जो है मेंबरशिप के लिए भी हटा दो, कट कर दो, ठीक है। तो सारी चीजें हो गई, पहले इस बिड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो प्रपोजल है वो हमारा देखिए इस तरीके से कुछ आ गया, जैसे कि दूसरे लोगों का यहाँ पर देखिए, दूसरे लोगों का जो आ रहा है इसे 7,000 इन वन डे, 7,000 हमने जो है 2 डे में डिलीवरी किया है, ठीक है, ये मैंने डाल दिया है। डॉलर का वगैरह का जो भी चीजें हैं यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब यहाँ पर जो है कुछ दोबारा से एडिट करना, तो हम जाकर यहाँ पर एडिट वाले बटन पे जाकर क्लिक करके हम जो है दोबारा से जो भी जानकारी वो डाल सकते हो। ये भी भाई जो है इंडिया का है, प्रणाम नंद किशोर जैसा कुछ है, ठीक है। तो सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो। अब क्या होगा यहाँ पे कि जब भी कोई देखेगा तो आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली, और कांटेक्ट करेगा ऐसे प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पर उसको दिखेगा, उसके सामने कांटेक्ट करेगा, देखेगा क्या क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है $10 पर घंटे का, ठीक है, और जो है कितने दिन में डिलीवरी होगी सारा कुछ दिया, बस सिंपल है, अकाउंट हमारा बन गया, हमने ज्यादा तामझाम नहीं किया है। हमने यहाँ पर जो है अब जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे हमें इसमें एक्सपीरियंस कार्ड है डालते रहेंगे, और पहले से आपने कहीं काम किया उसका भी आप यहाँ पर डाल दोगे, सब कुछ करने पर रेडी हो गया। अब क्या होगा कि जब आप काम करके उसको डिलीवरी कर देते हो, ठीक है, ईमेल आईडी पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ से आपको उसकी डिटेल आ जाएगी जिसको काम करवाना है, उसके बाद से जब आप काम करके उसको भेज देते हो तब क्या होगा कि आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो ये है फ्रीलांसिंग काम करने का तरीका, जितने दिन में काम करो, एक दिन में काम करो, अगर आप जो है 6 घंटे डिलीवरी का टाइम दे दो, ठीक है, 8 घंटे दे दो, जो भी आप जितने जल्दी कर सकते हो वो आप इसमें डाल दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर जो है करेंगे। अब जैसे कि $10 यहाँ पर मैंने डाल दिया है, यहाँ पर अगर आप लोग को अनुभव नहीं है तो कम डालना, ठीक है, ओके, जैसे $5 हो गया, $2 हो गया, $4 हो गया, तो सबको भाई सस्ता और मैं अच्छा काम चाहिए तो वो जल्दी कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए, फोन नंबर वगैरह डाल सकते हो, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन कर दे सकते हो, ईमेल आईडी है, फेसबुक अकाउंट है, सब डाल सकते हो, ताकि ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई आप सच में जो है रिस्पॉन्सिबल हो, काम करना चाहते हो। यहाँ पर जो है आप इस पर देखो, मैं आपको बता दूं किधर यहाँ पे जो क्लिक करोगे तो यहाँ पर काफी सारे काम जो है आपके सामने यहाँ पर देखो आ गया है, देखो यहाँ पे सारे काम यहाँ पर आए हुए हैं। ये सब काम अगर आप कर सकते हो, आर्टिकल राइटिंग के बारे में भी है, स्टोरी राइटिंग के बारे में भी है, कंटेंट राइटिंग के बारे में भी है, अगर आपको करना है तो देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो टिकटॉक लाइफस्टाइल व्लॉग एक्सपर्ट एडिटर, चलो भाई व्लॉग वाला तो नहीं चाहिए हमें, स्टोरी लिखने वाला चाहिए, तो यहाँ पर कहाँ गया, चलो ये वाला, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो देखो अभी जस्ट हमारे पास आ गया प्रोपोजल कि भाई जो लिख सकता है वो लिख देगा, कितना मिलेगा, 600 से 1500 तक मिल जाएगा, ठीक है, और इसको जो है हम कर सकते हैं, और इसमें बिडिंग अमाउंट डाल सकते हैं जो भी हमारा है वो डाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद से अगर इनको करवाना होगा तो डायरेक्टली जो है वो हमसे कांटेक्ट कर देंगे, यहीं पर यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये जो बेल वाला नोटिफिकेशन यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद से हम यहाँ पर काम करके उनको दे सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरा एक प्रॉपर तरीका है फ्रीलांसिंग में टाइपिंग करने का, राइटिंग जॉब करने का, बहुत सारी स्किल है, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक स्किल का बताया कि कैसे आप जो है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपने अकाउंट बनाकर और वहां पर जो है टाइपिंग वर्क करके डॉलर में कमाई कर सकते हो। अब होता है कि बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, और क्या होता है कि जैसे जैसे उन वो जो है अपने काम में अनुभव होते जाते हैं, वैसे वैसे वो अपना रेट बढ़ा देते हैं, डॉलर से मतलब $20 $30 कर लेते हैं, और जो है यहाँ पर जो क्लाइंट आते हैं वो अमेरिका से, जापान से, जो है फ्रांस से, यूरोप से, इटली से, सब लोग कांटेक्ट करते हैं, तो वहां पे जो है ना, वहां पर इस तरह जो काम करने लोग हैं उनकी डिमांड है, तो उनको जो है ज्यादा पैसे वो देकर और पैसे ऐसे अपना काम करवा लेते हैं, ठीक है, उनको काम करने वाला बंदा चाहिए, अच्छा बंदा चाहिए, और आपको काम करना है तो डेफिनेटली जो अगर आप अच्छे से इस सारी चीज कामों में एक्सपर्ट हो तो आप बहुत ही अच्छे से जो है अर्निंग कर सकते हो। तो ये तरीका था जो मैंने आपको बता दिया है, कैसा लगा नीचे कमेंट कर पूछ लेना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग को कुछ भी पूछना हो एकदम बेफिक्र होकर आप पूछ सकते हो, ठीक है।
ईमेल आईडी मैं इसमें दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप चाहो तो कुछ भी पूछ सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हर कोई देता नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को पर्सनली जो है दे रहा हूँ, आपको कुछ भी पूछना हो मुझे ईमेल पर लिख देना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पूछना चाहते हो नीचे कमेंट कर भी देना, और यदि राम जी टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी वाले वीडियो मिलते रहते हैं, टेक्निकल एंड सोशल मीडिया ऑनलाइन कंटेंट से जुड़ी हुई सभी इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती रहती है।